खबर हमीरपुर से है, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। अन्ना मवेशियों ने किसानों की सैकड़ों बीघा में बोई गई मूंगफली की फसल को बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों ने सरकार से अन्ना गौवंश को गौशाला में बंद करने और मुआवजा देने की गुहार लगाई है। मामला जनपद हमीरपुर के मुस्करा ब्लॉक अंतर्गत महेरा गांव का है, जहां गांव में करीब 100 से 150 अन्ना गौवंश घूम रहे हैं, जो लगातार किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जानवरों को गौशाला में बंद करने के लिए ले जाया जाता है तो उनको गौशाला का चौकीदार भगा देता है। किसानों ने कहा है कि अगर अन्ना मवेशियों को बंद नहीं किया गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अन्ना मवेशियों को गौशाला में बंद करवाने के लिए सरकार से अपील की है। साथ ही अन्ना मवेशियों द्वारा खराब की गई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की भी मांग की है। जानवर फसल सब सारी मूंगफली बगी थी, 5-6 बीघा में सारी मूंगफली चढ़ गई। कौन से जानवर थे ये? अन्न जानवर, गौशाला वाले जानवर। अच्छा, 3 बीघे की फसल खराब हो गई। 6 बीघे की फसल है, कितना नुकसान हो गया? अब एक बीघे में कम से कम 4-5 क्विंटल से कम 3 क्विंटल तो निकला। अब मूंगफली पाए तो 5 बीघा में कम से कम 3 बीघे की बिल्कुल चल रही, उखाड़ के फेंक दी गीले में, ऊपर से पूरी उतार के साफ फेंक दी बिल्कुल। किसने फेंक दिया? गंग में फिर रहेंगे साहब, छोटी से गाय ही बैल है, गंग है, सब को हुए हमें लंगड़ा याद भी जाते साहब होता है कहानी होते मिला याद उनको विशाला में सब वहाँ पर धमकी दे रहे, न चाबी दे रहा, न कुछ दे रहा होते। समस्या है कि मेरा गांव में जो अन्य पशु जानवर खेतों में घूम रहे हैं तो खेती काफी किए हुए हैं, तो यहाँ फसल रखाते हैं तो अगले साइड की चले जाते हैं, अगले खेत की, और प्रधान जी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि नो एंट्री है गौशाला में। तो मैं योगी सरकार से निवेदन चाहूंगा कि हमारी समस्या को सुने और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आगे मटर और ये चना की बोनी भी होनी है।